भारतीय सभ्यता से रोमांस करने वाले स्कॉलर्स के अलावे ओरिएंटलिस्ट्स और इंडोलॉजिस्ट का एक मजबूत धड़ा और भी था, जिसके अंदर अब्राहमिक रिलीजन की सुपीरियोरिटी, रिलीजियस बिगोटरी और रेशियल सुप्रीमेसी कूट कूट कर भरी हुई थी। ये धड़ा जहां एक ओर भारत के समाज को बेहतर ढंग से समझकर ब्रिटिशर्स को रूल करने में मदद कर रहा था, वहीं दूसरी ओर इन पर भारत को क्रिश्चियन लैंड बनाने की अजीब सनक सवार थी। और इसी सनक में इन इंडोलॉजिस्ट ने हमारे वैदिक टेक्स्ट, क्लासिकल लिटरेचर और हिस्ट्री की जानबूझकर गलत व्याख्या की, हमारे इतिहास की क्रोनोलॉजी के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ किया। ये बात मैं फैक्ट्स के साथ आगे आपको बताऊंगा। इन इंडोलॉजिस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको इनके अंदर के अब्राहमिक क्रिश्चियन बायस को समझना जरूरी है। क्या है वो बायस? ईस्वी में आयरलैंड के आर्क बिशप अशर ने कई रिलीजियस टेक्स्ट को एनालाइज करने के बाद ये बताया कि संसार की उत्पत्ति यानी वर्ल्ड क्रिएशन 4004 बीसी में हुई, यानी आज से लगभग 6000 साल पहले। 17th सेंचुरी में इस क्रोनोलॉजी को परम सत्य की तरह मान लिया गया था। हालांकि 18वीं और 19वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस मिथ को ये कहते हुए तोड़ा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस तो लाखों साल पहले से है। इसके बावजूद उस दौर के यूरोपियन स्कॉलर्स किसी भी पुरानी सभ्यता को इस अब्राहमिक क्रोनोलॉजी से पहले नहीं दिखाना चाहते थे। डंकन मैकनॉटन अपनी किताब हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में इसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इट इज टू बी रिमेम्बर्ड दैट 1836 इंग्लिश स्पीकिंग स्कॉलर्स वर स्टिल अंडर द हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस ऑफ अशर्स बिब्लिकल क्रोनोलॉजी। अब आप समझ सकते हैं कि 1830 के उन हिस्टोरियंस और इंडोलॉजिस्ट ने इंडिया का क्या किया होगा। मेसोपोटामिया और असीरिया की स्टडी करने वाले ब्रिटिश असीरियोलॉजिस्ट ए सेइस भी अपने जर्नल एंटिक्विटी ऑफ सिविलाइज्ड मैन में यही बात कहते हैं कि हिस्ट्री इज स्टिल लिमिटेड बाय द डेट्स इन द मार्जिन्स ऑफ आवर बाइबल। वो कहते हैं कि ये 4004 बीसी में वर्ल्ड क्रिएशन का आइडिया हमारे सो कॉल्ड क्रिटिकल हिस्टोरियंस के बीच में भी पाया जाता है। तो ये एक तरह का बिब्लिकल क्रोनोलॉजिकल बायस है, जिसमें किसी भी कीमत पर किसी भी सभ्यता की तारीख को 4004 बीसी से पहले नहीं रखना है। ये हमारे हिस्टोरियंस थे। अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो 1830 के बाद जो स्कूल ऑफ यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स भारत में डोमिनेंट हुए, वो बहुत रूथलेस, बिगोटेड और बायस थे। मैकॉले के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि उसे ब्राउन इंग्लिशमैन चाहिए थे, जो आज के एलिट्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आजकल बहुत सारे ब्राउन इंग्लिशमैन हैं। वो होते हैं ना जो गोभी खा रहे हों और आप उनसे पूछें कि क्या खा रहा है बे, तो वो कहते हैं वेल आई एम हैविंग ब्रोकली। हाँ, वही भूरे साहब। तो मैकॉले साहब ऐसे भूरे अंग्रेज पैदा करने के लिए ही नए एजुकेशन सिस्टम को लाए थे। और ये कितने बिगोटेड और बायस थे आप इसी बात से समझ सकते हैं जब वो कहते हैं कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ ऑल द लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो इनकी बात क्या करना कि ये हिस्ट्री को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। पर जहां इंडिया में मैकॉले रूल कर रहा था, वहीं फ्रांस और ब्रिटेन में एक बायस्ड इंडोलॉजिस्ट की पौध तैयार हो रही थी, और हमारा यही असल फोकस है। फ्रांस में संस्कृत प्रोफेसर के चेयर को यूजीन बर्नॉफ लीड कर रहे थे, जिसके दो चेले रुडोल्फ रॉथ और मैक्स मूलर वैदिक ट्रांसलेशन में आगे अपना नाम कमाने वाले थे। फ्रांस के अलावे ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में 1832 में बोदेन संस्कृत चेयर को स्टैब्लिश किया गया, ताकि इंडिया के क्लासिकल और वैदिक लिटरेचर को ट्रांसलेट किया जा सके। सेलिब्रेटेड इंडोलॉजिस्ट H.H. विल्सन इसके पहले चेयरमैन थे, और इनके बाद मोनियर विलियम इसके चेयरमैन बनाए गए। ये हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि इस बोदेन संस्कृत चेयर का असल ऑब्जेक्टिव क्या था। ज्यादा शोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोनियर विलियम खुद अपनी मोस्ट सेलिब्रेटेड संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी के इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि बोदेन चेयर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्लासिकल रिलीजियस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन और इंडिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है। सो दिस ट्रुथ इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब ऐसे इंटेंशन वाले इंडोलॉजिस्ट के ट्रांसलेशन पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं।
The Eminent Orientalist किताब में H.H. Wilson साहब जो बोधन चेयर के पहले चेयरमैन थे उनकी कारिस्तानी छपी है। वो 1832 में भारत से इंग्लैंड वापस जाने के बाद एक किताब लिखते हैं, The Religious and Philosophical System of Hindus। इस किताब को लिखने की एक खास वजह थी, जाने माने संस्कृत स्कॉलर जॉन मोयर ने एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें जो भी प्रतियोगी हिंदू रिलीजियस सिस्टम को रिफ्यूट करेगा उसे 200 इंग्लिश पाउंड्स का इनाम दिया जाएगा। H.H. Wilson साहब ने इन्हीं पार्टिसिपेंट्स की मदद के लिए अपनी इस किताब को लिखा था। अब आप सोचें इन महान संस्कृत स्कॉलर्स की नीयत को। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें कोट करने बैठूं तो शायद 10 घंटे का वीडियो बन जाए, पर इस डिस्कशन के मद्देनजर आप सभी के फेवरेट मैक्स मूलर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने वैदिक टेक्स्ट ट्रांसलेशन और भारतीय इतिहास की क्रोनोलॉजी में पायनियर वर्क किया है, और इनके ही वर्क और कुछ अदर इंडोलॉजिस्ट के वर्क को कोट कर करके हमारे आज के डिस्टोरियंस अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। 1860 ईस्वी में छपी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर में मैक्स मूलर लिखते हैं कि इतिहास हमें बताता है कि मानव जाति का शिक्षित होना आवश्यक है ताकि वो क्रिश्चियनिटी के परम सत्य को पहचान सके। वो इसी के आगे लिखते हुए कहते हैं कि बुद्धिज्म आर्यन लैंड से फैलकर कई देशों में पहुंच गया है, पर इससे क्रिश्चियनिटी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म भी बाकी प्राचीन धर्मों की तरह क्रिश्चियनिटी के लिए ही लोगों को तैयार कर रहा है, वो क्रिश्चियनिटी के लिए ही रास्ता साफ कर रहा है। क्या सनक है इनकी भाई। पर सही मायनों में यदि मैक्स मूलर और उसकी नीयत को समझना है तो आपको उसके पर्सनल लेटर्स को पढ़ना होगा, जो लाइफ एंड लेटर्स ऑफ फ्रेडरिक मैक्स मूलर के नाम से 2 वॉल्यूम्स में छपी हैं। ये लेटर्स इस व्यक्ति के असल चेहरे को उजागर करते हैं। 1866 ईस्वी में अपनी पत्नी को पत्र लिखते हुए मैक्स मूलर कहता है कि वेदों का मेरा ये ट्रांसलेशन भारत के भाग्य को निर्धारित करेगा। वेद ही इस सभ्यता और संस्कृति की जड़ है, और मेरा मानना है इनके इस जड़ को इन्हें सही रूप में दिखाकर ही वो सब कुछ उखाड़ फेंका जा सकता है जो पिछले 3000 सालों में इस जड़ से पनपा है। कितना फैनेटिक है ये व्यक्ति। पर मुझे मालूम है कि कुछ अंधे लोग अब भी इसका बचाव करते हुए कहेंगे कि मैक्स मूलर आपको मॉडर्न बनने की सलाह दे रहा है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। 16 दिसंबर 1868 को ड्यूक ऑफ ऑर्गोइल, जो इंडिया के ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनको लिखे अपने पत्र में मैक्स मूलर कहता है, भारत के प्राचीन धर्मों का विनाश तय है। अब ऐसे में क्रिश्चियनिटी अगर भारत के बचाव में नहीं आती है तो किसकी गलती है। क्या बात है मैक्स मूलर भाई। अगर इससे भी आपकी समझ का ताला नहीं खुला, और यदि आप वायर, क्विंट और स्क्रॉल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मैक्स मूलर द्वारा इनके मजुमदार को लिखे पत्र को पढ़िए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैक्स मूलर इनके मजुमदार को लिखता है कि तुम बताओ कि आखिर भारत के लोगों को क्रिश्चियनिटी फॉलो करने में क्या समस्या है। वो आगे कहता है कि मेरी नजर से देखो तो भारत का एक बड़ा हिस्सा तो क्रिश्चियन हो चुका है, बस तुम्हें अपने लोगों को इकट्ठा करके इस ब्रिज को पार करना है। मजबूती से आगे बढ़ो और हम ब्रिज की दूसरी तरफ तुम सबका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, ये थे हमारे मैक्स मूलर साहब। क्या अब भी कोई कंफ्यूजन रहना चाहिए कि इन वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट्स, इन सेलिब्रेटेड ओरिएंटलिस्ट की नीयत क्या थी। फिर भी हमारे डिस्टोरियंस अपने भद्दे एजेंडे के तहत इन्हें क्रिटिकल और रैशनल स्कॉलर्स मानते हैं, और बार बार इन्हें कोट करके अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और सेलिब्रेटेड क्रिटिकल थिंकिंग स्कॉलर मोनियर विलियम के चरित्र को देखते हैं। हमारे डिस्टोरियंस इन्हें बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर मानते हैं। ये कितने बड़े वाले क्रिश्चियन फैनेटिक थे, इसका जिक्र तो मैंने पहले ही आपको बोधन चेयर के हवाले से बता दिया है। पर अपनी 1879 में छपी किताब मॉडर्न इंडिया एंड इंडियंस में ये रैशनल थिंकर लिखते हैं कि जब ब्राह्मणिज्म के किले को क्रॉस यानी क्रिश्चियन मिशनरी सोल्जर्स घेर कर फतह कर लेंगे, तब ही जाकर भारत में क्रिश्चियनिटी की जीत संभव है। क्या गजब की रैशनल थिंकिंग है भाई। यही वजह है कि हमारे इतिहास में एंटी ब्राह्मणिज्म फ्लेवर भर भर के मिलता है। खैर, जहां ब्राह्मण की बुराई करनी है वहां करेंगे भी। मोनियर विलियम यही नहीं रुके, उन्होंने एक और किताब लिखी
स्टडी ऑफ संस्कृत इन रिलेशन टू मिशनरी वर्क्स इन इंडिया। अब इस पर मैं क्या कहूँ, आप ज्यादा समझदार हैं, तो इस किताब के नाम और उसके उद्देश्य को और लिखने वाले की नीयत को आप भली भांति खुद ही समझ लेंगे। इन इंडोलॉजिस्ट ने न सिर्फ हमारे टेक्स्ट का गलत इंटरप्रिटेशन किया है, बल्कि हमारे इतिहास की क्रोनोलॉजी को भी पूरी तरह से झूठ पर खड़ा किया है। आप मैक्स मूलर के वैदिक एज क्रोनोलॉजी को ही ले लें। विंटरनेट्स अपनी किताब सम प्रॉब्लम्स इन इंडियन लिटरेचर में लिखते हैं कि मैक्स मूलर ने वैदिक डेट्स को 1200 BC पर फिक्स कर दिया, जो कि सरासर हाइपोथेटिकल और इरेशनल तरीके से तय किया गया है। वो एक तरह से इसे मैक्स मूलर का तुक्का बताते हैं। विंटरनेट्स आगे लिखते हुए कहते हैं कि वहीं दूसरी ओर जर्मन स्कॉलर एच जैकोबी वैदिक एज को 4500 BC पर फिक्स करते हैं, पर हमारे इतिहासकार अभी भी हाइपोथेसिस को एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह पढ़ाते हैं और मैक्स मूलर की वैदिक तिथि को पत्थर की लकीर मान लिया गया है। आज आप चैलेंज करके देखें, वायर और हिंदू में आर्टिकल छपने लगेंगे। इतना ही नहीं, ये यूरोपियन स्कॉलर्स अब्राहमिक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से इतने ग्रसित थे कि वेबर, लॉरेंसर और बाद में फिर हॉपकिंस जैसे इंडोलॉजिस्ट का ये तक मानना था कि भगवत गीता क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस्ड है। ये कहते हैं कि कई पैसेजेस इनमें काफी मिलते जुलते हैं। वो यहां तक कहते हैं कि भक्ति, जो हिंदुइज्म में एक मेन कंपोनेंट है, हिंदुइज्म में क्रिश्चियनिटी से आई है और इसीलिए ये महाभारत और भगवत गीता के डेट्स को ईसा के जन्म के बाद रखते हैं। हास्यास्पद है। इन मूर्खों की बात को सत्य मानने वाले मूर्ख डिस्टोरियंस को क्या ये पता नहीं कि भक्ति डॉक्ट्रिन पाणिनि के समय से भी पुरानी है? 2nd century BC यानी ईसा से 200 साल पहले बेस नगर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि एक ग्रीक हेलियोडोरस तक्षशिला में भागवत धर्म का अनुयायी बनता है। यानी भक्ति डॉक्ट्रिन के सबूत ईसा के 200 साल पहले भी मौजूद थे। फिर भी रोमिला थापर, आरएस शर्मा और डीएन झा जैसे इतिहासकार भगवत गीता और भक्ति में क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस बताते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए तैयार किया गया है? जब यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स की ऐसी मानसिकता हो, तो उनसे इतिहास की सही व्याख्या की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। इसके साथ ही ये समझ लेना भी जरूरी है कि इंडियन हिंदू स्कॉलर्स जैसे राजेंद्र लाल मित्रा, PV Kane, जिन्होंने इन्हीं लोगों के अंडर एंशियंट टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया, वॉल्यूमिनस वर्क्स लिखे और जिन्हें गोरे साहब के जाने के बाद भूरे साहब कोट करते हैं, उनकी क्या विश्वसनीयता होनी चाहिए? 1857 का रिवोल्ट बीफ और सुअर से बनी गोली के कारण शुरू हुआ, जिसने ब्रिटिशर्स को लगभग भारत से उखाड़ ही दिया था। इसके बाद ही ब्रिटिशर्स ने बीफ क्लब शुरू किए ताकि उनके इंडियन असिस्टेंट्स और समाज के एलीट्स इसमें शिरकत करें, अपने धर्म की मान्यताओं को छोड़ें, हो सके तो कन्वर्ट भी हो जाएं। 1857 के ठीक 15 साल बाद राजेंद्र लाल मित्रा 1872 में बीफ ईटिंग इन एंशंट इंडिया नाम से एक आर्टिकल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में छापते हैं। 1876 में उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल जाती है और ब्रिटिश हुकूमत उन्हें राजा के टाइटल से भी नवाज देती है। इतना प्यार क्यों? कोई खास वजह? राजीव मल्होत्रा अपनी किताब ब्रेकिंग इंडिया में लिखते हैं कि कॉलोनियल इंडोलॉजी कैसे वेस्टर्न एकेडमिक्स और इंडियन स्कॉलर्स के गठजोड़ से तैयार की गई थी, जिसमें वेस्टर्नर्स का डोमिनेटिंग रोल था। ये कोलैबोरेशन कुछ हद तक आज के अमेरिकन एकेडमिशियंस और इंडियन स्कॉलर्स के बीच के गठजोड़ जैसा है, जिसमें इंडियन स्कॉलर्स वेस्टर्नर्स की बूट लिकिंग करते देखे जा सकते हैं। अमेरिकन्स अगर बोलते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, तो इंडियंस भी बोलेंगे दलित लाइव्स मैटर, लाइफ मैटर्स। तो आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता, और इसके बाद भी ये अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। इस पृष्ठभूमि में क्या आरएल मित्रा या पीवी केन के वर्क को सिर्फ इस आधार पर सत्य मान लिया जाए कि एक हिंदू ने ऐसा लिखा है, या इसकी इंडिपेंडेंट विवेचना करनी चाहिए? थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमारी कोशिश थी कि हम आपको बता सकें कि हमारे इंडोलॉजिस्ट की क्या नीयत थी। अगले वीडियो में हम अपने असल मुद्दे पर, असल सवाल पर आएंगे कि क्या वैदिक आर्यंस बीफ खाते थे। दोस्तों, अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो पूरा वीडियो
उन रेफरेंसेस पे है, वैदिक रेफरेंसेस पे है, जहाँ से हमारे हिस्टोरियंस कोट करते हैं कि वैदिक आर्य बीफ खाते थे।